I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how. हमने उन नखरों का हल निकाल लिया है, अब हम इसको करीब से कर सकते हैं। ओहो, इधर से समझा रहे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप एंड ट्रिप का नया एपिसोड, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्तौर में। अस्तौर मेरी सीरीज स्टार्ट हुई हुई है आजकल, और अभी मैं अस्तौर शहर में हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सड़क यहाँ पर नहीं बनी हुई है, और उस तरह से कोई सहूलियात नहीं है जो एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। अभी आज हम जा रहे हैं रामा मैडो और रामा लेक करने। यहाँ से बिल्कुल करीब है, 10-11 किलोमीटर का सफ़र है अस्तौर शहर से, और रास्ते में आपको पूरा होटल मिलते रहते हैं। इसका जो ट्रैक है वो उस तरह से खाली नहीं होता, आपको होटल शॉप्स वगैरह मिलती रहती हैं। हम लोग बाई पे क्योंकि निकल रहे हैं, तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र होगा, 40 से 50 मिनट लगेंगे क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है। और चल के देखते हैं, अभी 11 बजे हैं, हम लोग रात को पहुँचे थे अस्तौर, बाइक का काम करवाया, नाश्ता किया, खाता अभी तक नहीं बनवा सका, 2 दफ़ा गया हूँ, रश लग गया उठे, तो फिर ऐसे निकलने लगे हैं। आपको रास्ता दिखाता हूँ अस्तौर शहर से रामा मैडो का, और चल के कुछ बनाते हैं ड्रोन शॉट्स, वहाँ पे फैसिलिटीज चेक करते हैं और व्यू पॉइंट चेक करते हैं कि ये वादी कितनी हसीन है। एंड दैट्स ऑल। रामा मैडो और रामा लेक अस्तौर शहर से ज़्यादा दूर नहीं। आप 30-35 मिनट में रामा मैडोस और इससे आगे मज़ीद 20 मिनट में रामा लेक पहुँच जाते हैं। इस वक्त अस्तौर शहर में काफ़ी ज़्यादा खुदाई हुई हुई है, इसलिए अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहर में आपको पेट्रोल पंप, एटीएम मशीन ईजिली मिल जाते हैं। रामा की तरफ जाने वाला रास्ता शहरी आबादी से गुजर कर जाता है, इसकी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम मुसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जो ये देखकर हैरानी हो रही है कि आबादी काफ़ी आगे तक मौजूद है। मैं रात 10 बजे स्टोर पहुंचा था, इसलिए फिर शहर में ही रुक गया। अगर आप दिन के वक्त स्टोर पहुंचें, तो रात रामा मैडो के जंगल में गुजारें, क्योंकि वो जगह बहुत पुरसकून और खूबसूरत है। तकरीबन 12 से 14 मिनट बाद हम लोग आबादी से बाहर आ गए, और अब इक्का दुक्का घर ही नज़र आ रहे हैं, और शहर भी नीचे नज़र आने लगा है।
3-3.5 किलोमीटर का सफ़र रह गया और इतनी खूबसूरत वैली बन गई है ना दोनों तरफ से, पीछे पहाड़ बर्फ़ वाला, उसके ऊपर बादल, बीच में मेडो के जो मेडोज है उसका जंगल है, पीछे वैली है। वैली ड्रोन शॉट्स के बाद अब दोबारा सफ़र शुरू किया तो ये देखकर हैरानगी हुई कि सड़क बेहतरीन हो गई है। वैसे अब बाकी सफ़र सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर का रह गया है। रामा मेडो से पहले एक छोटा सा जंगल आता है। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टेंट लगे हैं, कैंटीन, वॉशरूम और रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहे हैं, जबकि रामा लेक की मेन टेंट साइट रामा मेडो के बाद आती है। इस जंगल के बाद एक मोड़ आता है और वहीं से रामा मेडो शुरू हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। जैसे ही हम अस्तोर बाज़ार से निकले हैं तो अस्तोर की आबादी शुरू हो गई, जिसकी चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। और बड़ी बात है जो लोग कारें लेके ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि चढ़ाई वाकई अनबयानेबल सी थी, बाइक का बड़ा ज़ोर लगा। और फिर आप थोड़ी देर से बाद कोई 5-6 किलोमीटर के बाद आप एक ही पहाड़ के ऊपर ज़िगज़ैग करते हैं, वैली स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे जंगल आ जाता है जहाँ पर मेन पॉइंट है। वहाँ पर हट्स, होटल और बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, कैंटीन्स हैं, और उसके बाद आप जंगल में से गुजर के यहाँ पे आ गए हैं। और ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में गाड़ी और मोटरसाइकिल लाना मना है क्योंकि फिर वो ख़राब होगी। और बहुत ही खूबसूरत पीसफुल जगह माशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, पानी का ये जो चश्मा है इसका शोर आप सुन रहे हैं, इस कदर ज़बरदस्त ये इफ़ेक्ट दे रहा है इस पूरे माहौल में। और दिल कर रहा है कि यहाँ पे बंदा बस लेट जाए, जो कि हम लेटेंगे भी थोड़ी देर तक और रेस्ट करके चिल करके फिर हम आगे जाएंगे जो रामा लेक है उसको कवर करने। आगे भी मुझे लग रहा है कि जंगल है और जंगल में से गुजर के जाना होगा। हमें जो बताया गया था, होटल वालों ने बताया था कि अगर आप हिम्मत करें तो आपकी बाइक झील तक जाएगी, जेडी कैसी नहीं करनी मुझे लग रहा है। हम बाइक को वहीं पे पार्क करेंगे और फिर पैदल चले जाएंगे। घोड़े हैं यहाँ पे, दूर दूर देख के भाग जाते हैं दूर से ही, और इन घोड़ों की वजह से इस व्यू में एक ज़बरदस्त ग्रेसनेस आई है। Traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it on my own. अब जब भी पहाड़ी इलाके में सफ़र करने निकलते हैं तो जब मैं होटल से निकला था तो बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन ये कभी भी मत सोचें कि बारिश नहीं होगी, अपने रेनकोट वगैरह या
अपने थर्मल साथ लाजमी लेके जाएं। अभी मौसम बनना शुरू हो गया है और पानी जो है ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गदला हो गया और तेज़ हो गया। इट मीन्स कि रामा लेक वाली साइड पे बारिश हो रही है या होने वाली है। वैसे बादल तो बन गए हैं तो पहाड़ी इलाके में बारिश होने का और मौसम बदलने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी अगर तो आप जीप में जा रहे हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना चीज़ें कैरी करने का। हम लोग तो बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं बट स्टिल आई एम कैरिंग ऑल नेसेसरी थिंग्स। तो ये ज़रूरी चीज़ है, मौसम पे देख के कभी भी अपना फैसला ना करें, यहाँ पे मौसम बड़ा बेईमान है। यहाँ पे जो टेंट है वो 8 बंदों का भी है, इवन के 10 बंदे भी सो सकते हैं, इतने बड़े बड़े टेंट भी हैं, अच्छे वाले टेंट भी हैं बिल्कुल, जिनके आगे शेड भी होता है 2,000-2,500, इवन के जो सिंगल डबल हैं वो 1,000 रुपया भी ले रहे हैं। और जीप का किराया से पूछ लेते हैं, जो जीप आपको ऊपर से नीचे लेके आती है वो कितने चार्जेस लेती है। और यहाँ पे कैंटीन्स हैं, वॉशरूम्स भी हैं और नाइट स्टे यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। फैमिलीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग जो नीचे जा रहे थे उनमें भी काफ़ी फैमिलीज थी। रामा मेडो कैंपिंग साइट के बाद ब्रिज क्रॉस किया तो सड़क बिल्कुल ही ऑफ रोड हो गई। अगर आप एक अच्छे ट्रैकर हैं तो यहाँ से झील तक जाने में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरा प्रोग्राम ये है कि जहाँ तक बाइक जाएगी उसके बाद ही अपना पैदल सफर शुरू करूँ। एक जगह तो इतनी चढ़ाई मिली कि बाइक ने आगे जाने से इनकार कर दिया। यहाँ मुकामी अफराद ने अपनी बाइक को ऑल्टर किया हुआ है और अब हमें अपनी बाइक छोड़ के इनकी बाइक पर जाना होगा। जैसे ही सफर शुरू किया तो एक ग्लेशियर आ गया जिसे मैंने पैदल ही क्रॉस किया। थोड़ा आगे गए तो साथ ही दूसरा ग्लेशियर था। अब की बार मैंने लोकल का ट्रिक देखा और अपनी बाइक ही ग्लेशियर पर चढ़ा दी। रामल एक ग्लेशियर है, ये छोटी झील है मगर इसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह नांगा पर्वत। इस झील तक पहुंचने का सफर यादगार और थ्रिलिंग है। They treat me like a son anywhere I go and even though no one can tell I still feel that I'm alone I'm alone I'm alone I'm alone leave me stranded। ये चीज़ हमने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की है कि बाइक अपनी छोड़ के दूसरी बाइक लेके गए हैं, उसके अंदर उन्होंने कुछ ऑल्ट्रेशन की हुई है जिसकी वजह से उसकी पावर ज़्यादा, शायद पिस्टन बढ़ाया हुआ है या उसमें से वो निकाला हुआ है उन्होंने फिल्टर वगैरह उसकी, लेकिन पावर अच्छी थी जो हमें ले आई है इतने बड़े वजन के साथ भी। जो सबसे थ्रिलिंग चीज़ थी वो था मेरा ग्लेशियर जो क्रॉसिंग थी उसमें वो एक टायर की जगह बन गई थी और जिग-जैग करता हुआ बस मैं अल्लाह का नाम लेके निकल आया हूँ। और अभी हम रामा लेक पे पहुँच गए हैं और माशाल्लाह पीछे जो है वो नांगा पर्वत की जो लेफ्ट साइड है उसके नीचे वाले जो चोटियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं और बादलों ने उनको घेरा हुआ है। बादल छुट्टी नहीं देते हमें, थोड़ा सा पीछे हो हमें ज़रा दीदार मिल जाए अगर महबूब का तो क्या बात है। हम महबूब के कदमों में पहुंच गए हैं तो अगर बादल पीछे होंगे तो हमें एक नज़ारा मिल जाएगा। अभी मैंने अब्बास को भेजा है अगर उधर से कोई सीन बनता है। और अभी हमें आवाज़ भी आ रही थी पत्थरों की, लैंडस्लाइड हो रही थी
तो अल्लाह खैर करे इस तरफ तो नहीं हो रही। हमारे पीछे जो पहाड़ है वो सारा ग्रासी है और बादल का भी सीन बन रहा है। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a... नंगा पर्वत के आपको पता है बड़े नखरे हैं, तो कोई बात नहीं, हमने उन नखरों का हल निकाल लिया है। अब हम इसको करीब से कर सकते हैं। ओह, इधर से तो मीनारे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। ये रखी हुई है यहाँ पे ज़्यादातर शेफर्ड्स ने, वो जब अपने देखते हैं ना बकरियां वगैरह जब नज़र नहीं आ रही होती तो वो दूर से चेक कर लेते हैं। ज़्यादातर इसकी यूटिलिटी यही है, यहाँ पे अक्सर शेफर्ड्स के पास मैंने देखी है, बर्नैकुलर उन्होंने रखी होती है। एक मेरे को भी थी, ले गया मेरा एक दोस्त। बारिश स्टार्ट हो गई है और ये जो बादल हैं ये सामने वाले पहाड़ के पीछे से एकदम से आए हैं, क्योंकि सामने तो बिल्कुल धूप है और बस हम लोग निकलेंगे जल्दी जल्दी। मेरा तो प्रोग्राम था यहाँ पे हम आधा पौना घंटा बैठे हैं, लेकिन बड़े देसी किस्म के टेंट हैं और क्योंकि हमने वापस भी जाना है ऑल द वे और ये कोई दरख्तों वाला सीन अभी दूर है, तो कैंपिंग साइट तक पहुँच जाते हैं बारिश में। रामा लेक का ये वीलॉग जो है वो बहुत ही थ्रिलिंग था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अकलमंदी ये कि अल्लाह ने ये फैसला करवा दिया कि हमने अपनी बाइक नहीं लेके आए, इनकी बाइक मॉडिफाइड है यहाँ पर आने के लिए। 800 रुपया लिया उन्होंने हमसे ग्लेशियर के थोड़ा पीछे से जहाँ पर अपनी बाइक हमने लगाई है, तो वहाँ से फिर हम इनकी बाइक पे इजीली आ गए। रामा मेडो और रामा लेक बेहतरीन ब्यूटी है, इसका सफ़र बेहतरीन है और शहर से ऊपर आने का जो रास्ता है मैंने आपको वो दिखाया, कैंपिंग साइट दिखाई, जंगल दिखाया और झील भी दिखाई और मुर्शद भी दिखाया। और मुर्शद ने अभी तक हमसे सुलह नहीं की, बादल साथ हैं उनके। आज के इस एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यू दीजिएगा, हमें बड़ा ही इसमें बड़ी एफर्ट हुई, बड़ा मज़ा आया और एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और अस्तौर का जो है हमारा ये सफ़र अभी जारी है, अभी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, मज़े का आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप एक ऐसी चरागाह देखना चाहते हैं जहाँ पानी के चश्मे लफ्ज अल्लाह की शक्ल में बहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर देखना चाहते हैं एक ऐसी वादी जिसे अक्सर लोग पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादी कहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। उन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।